नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, को फाउंडर दैडअप। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीन बीमारियों के बारे में। पहली है पाइल्स, जिसे बवासीर भी कहा जाता है। दूसरी है एनल फिशर और तीसरी है फिस्टुला या भगंदर। दोस्तों, ये तीनों बीमारियां ही शौच के रास्ते या जिसे मलद्वार, गुदाद्वार या एनस भी कहा जाता है, इस एरिया में होती हैं। उसके अलावा इन तीनों बीमारियों के जो लक्षण या सिम्टम आते हैं वो काफ़ी मिले जुले आते हैं। इसी कारण लोगों को ये अक्सर कंफ्यूजन और भ्रम हो जाता है कि उन्हें इन तीनों में से कौन सी बीमारी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इन तीनों बीमारियों में क्या अंतर है। इन तीनों बीमारियों का अंतर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों बीमारियों के इलाज के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी बीमारी है, ताकि आप अपना इलाज सही तरीके से ले सकें। दोस्तों, अन्य बीमारियों के लिए आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर करें, हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर हमारे शौच के रास्ते में या गुदा द्वार या मल द्वार के रास्ते में जो नसें होती है उनकी सूजन को कहते हैं। यह नसें बवासीर या पाइल्स में मस्सों के रूप में दिखने लगती हैं या महसूस होने लगती हैं। यह मस्से शौच के रास्ते में अक्सर अंदर की तरफ रहते हैं, परंतु जैसे जैसे पाइल्स या बवासीर की बीमारी बढ़ती चली जाती है, यह मस्से बाहर की तरफ भी दिखने लगते हैं। दोस्तों, एनल फिशर में हमारी शौच मल द्वार या गुदा द्वार का जो रास्ता है, एक बहुत ही पतली लेयर से ढका हुआ होता है। इस लेयर को म्यूकोसा कहते हैं। एनल फिशर इस म्यूकोसा वाली लेयर में कट या टीयर हो जाने को कहा जाता है। दोस्तों, वहीं एनल फिस्टूला या जिसे भगंदर भी कहा जाता है, शौच के रास्ते में एक और असामान्य रास्ता या एक अबनॉर्मल रास्ता बन जाता है, उसे कहते हैं। इस रास्ते का एक मुंह शौच के रास्ते में खुलता है और जो दूसरा मुंह है वह बाहर की तरफ स्किन में खुलता है। दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इन तीनों बीमारियों के लक्षणों के बारे में, उनमें क्या समानता है और क्या क्या चीज़ें हर बीमारी के लिए स्पेसिफिक हैं। पाइल्स और बवासीर में मरीज को गुदा द्वार के आसपास एक कठोर गांठ जैसा महसूस होने लगता है। उसके अलावा मरीज को शौच के रास्ते में हाथ लगाने पर मस्से भी महसूस होने लगते हैं। शौच जाने के बाद भी पेट का साफ ना होने का आभास होना, उसके अलावा पाइल्स और बवासीर में मल त्यागने के बाद मल में ब्लीडिंग या खून का रिसाव देखा जा सकता है। हालांकि पाइल्स और बवासीर में ये जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी दर्द रहित होती है। पाइल्स और बवासीर में शौच के वक्त व्यक्ति को गुदा द्वार पर जलन हो सकती है, उसके अलावा गुदा द्वार वाले एरिया में खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है। शौच के वक्त मल में चिपचिपा पदार्थ आ सकता है, जिसे म्यूकस भी कहा जाता है। बार बार मल त्यागने की इच्छा होना, परंतु शौच जाने पर मल का ना आना। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर का अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो कभी कभी इसके गंभीर लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि गुदा द्वार से इतनी ज़्यादा रक्तस्राव या ब्लीडिंग होना, जिसकी वजह से मरीज में कभी कभी खून की कमी तक हो जाती है। गुदा द्वार में जो मस्से हैं उसका इन्फेक्शन होना। कभी कभी पाइल्स या बवासीर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मरीज को इसकी वजह से फिस्टूला या भगंदर भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज का अपने मल पर नियंत्रण खत्म हो जाता है और मल गुदा द्वार से बाहर आने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनल फिशर के लक्षणों के बारे में। एनल फिशर का सबसे कॉमन जो लक्षण है वह मल त्यागते हुए बहुत असहनीय दर्द होना। यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी व्यक्ति इस दर्द की वजह से शौच जाने से भी बचने लगता है। यह दर्द मल त्यागने के कुछ घंटों के बाद भी रह सकता है। दोस्तों, इस दर्द वाले लक्षण की वजह से एनल फिशर को डायग्नोज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पाइल्स बवासीर या फिस्टुला भगंदर में मल त्यागते समय इतना दर्द नहीं होता है। इसके अलावा फिशर में बवासीर या पाइल्स की तरह मस्से भी नहीं मिलते हैं। फिशर के अन्य लक्षणों में व्यक्ति को मल त्यागने के बाद मल में फ्रेश ब्लड दिख सकता है, उसके अलावा व्यक्ति को स्किन की एक छोटी गांठ एनल या गुदा द्वार वाले एरिया में महसूस हो सकती है, जिसे स्किन टैग भी कहा जाता है। इसके अलावा एनल फिशर में मल द्वार के आसपास
खुजली या जलन भी हो सकती है। दोस्तों, अगर इस फिशर का इलाज समय पर ना किया जाए तो इसके भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि यह फिशर बार बार होने लगता है, इसका घाव बढ़ता ही नहीं। उसके अलावा यह गुदा द्वार के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वहां तक फैल जाता है और उन्हें भी नुकसान पहुंचाने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भगंदर या फिस्टूला के लक्षणों के बारे में। भगंदर के लक्षणों में मल द्वार वाले एरिया में खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, मल त्यागते समय दर्द हो सकता है, फिस्टूला या भगंदर वाले रास्ते से बदबूदार पस आने लगता है, मरीज को बुखार आ सकता है, मल त्यागते समय मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन तीनों बीमारियों के कारणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स या बवासीर की। पाइल्स या बवासीर का सबसे कॉमन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कब्ज की वजह से जो मल है वो कठोर हो जाता है, जिसे शरीर से बाहर निकालने के लिए व्यक्ति ज़्यादा जोर लगाता है। इस जोर लगाने की वजह से शौच के एरिया में जो नसें हैं उन पर ज़्यादा जोर पड़ता है, वे फूल जाती हैं और मस्सों के रूप में शौच के एरिया से बाहर दिखने लगती हैं। दोस्तों, इसके अलावा पाइल्स या बवासीर के अन्य कारण होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से दस्त रहना, भारी वजन उठाना, प्रेगनेंसी, बहुत मिर्च मसाले का खाना खाना, खाने में फाइबर कम खाना, धूम्रपान और शराब का सेवन करना और एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों, अब बात करते हैं एनल फिशर के कारणों के बारे में। एनल फिशर का भी मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की वजह से मल कठोर हो जाता है। कठोर मल जब शौच के रास्ते से पास होता है तो वह जो शौच के रास्ते में पतली लेयर है, जिसे म्यूकोसा कहते हैं, उसे डैमेज कर देता है, उस पर कट लग जाता है और इसकी वजह से एनल फिशर होने लगता है। इसके अलावा अन्य कारणों में है लंबे समय से किसी व्यक्ति को दस्त होना, गूदा मैथुन करना या एनल इंटरकोर्स करना, महिलाओं में बार बार प्रसव होना, मल को पतला करने वाली दवाइयाँ जिन्हें लग्जेटिव भी कहते हैं उनका अत्यधिक इस्तेमाल करना। दोस्तों, कुछ ऐसी भी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से भी फिशर हो सकता है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़, HIV होना, मल द्वार या एनस का कैंसर होना, टूबरक्लोसिस होना या सिफिलिस होना। दोस्तों, अब बात करते हैं एनल फिस्टूला या भगंदर के कारणों के बारे में। इसमें है रेक्टम या मलाशय का कैंसर होना, क्रॉन्स डिजीज होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस होना, इंटेस्टाइन या आंतों का इन्फेक्शन होना, या गुदा द्वार या एनस वाले एरिया में रेडिएशन लगना या फिर ट्रॉमा होना। दोस्तों, अगर इन तीन बीमारियों के डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर क्लिनिकली आपके गुदा द्वार वाले एरिया को देखकर पता लगा लेते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। हालांकि भगंदर या फिस्टूला के कुछ केसेस में डॉक्टर कभी कभी MRI या फिस्टिलोग्राफी जैसी जाँचें लिख सकते हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि ये जो फिस्टूला या भगंदर है कहाँ तक शौच के रास्ते में पहुँचा हुआ है। दोस्तों, अगर इन तीनों बीमारियों से बचाव की बात करें तो आप अपनी डाइट में हाई फाइबर इंक्लूड करें, दिन में फ्लूड और पानी की मात्रा को बढ़ा दें, इससे आप इन तीनों बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा एनल फिस्टूला या भगंदर से बचने के लिए जो एनस या गुदा द्वार वाला एरिया है, आप उसे साफ रखें, उसकी साफ सफाई करते रहें और वहाँ पर हाइजीन मेंटेन रखें। दोस्तों, अगर इलाज की बात करें तो पाइल्स या बवासीर का इलाज आप घरेलू तरीके से भी कर सकते हैं और केमिस्ट की शॉप पर मिलने वाली आसान दवाइयों से भी इसका इलाज किया जा सकता है। परंतु एनल फिशर के लिए दवाइयों के साथ ऑपरेशन, जिसे लैटरल स्फिंक्टरोटॉमी भी कहा जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, फिस्टूला या भगंदर के इलाज के लिए दवाइयों से काम नहीं चलता है, उसके साथ आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, जिसे वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टूला टेक्निक भी कहा जाता है। इसके अलावा पाइल्स और एनल फिशर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, अन्य बीमारियों के लिए आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए कृपया कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर हमसे शेयर करें, हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेगी। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल डायडॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।